Hello friends, how are you? So friends, let us continue from where we left in the last lecture, that is labor costing. I hope you all are able to understand the concepts that we are discussing. So what we are going to continue is labor costing. Right? Now in the last lecture, what we discussed was the effective wage rate per hour, calculation of the total labor cost and the effective wage rate per hour. For that, we took the idle time, right? We calculated the effective working hours, we calculated the total labor cost, then we divided the total labor cost with the effective working hours. Effective working hours means the total working hours available minus the idle time. What is idle time? Idle time is the time for which the worker is not working on the production, right? Like he is taking his lunch, he is taking some rest. That is the idle time, right? Again, in the idle time, we have to consider the normal idle time while calculating the effective working hours. So this is what we discussed in the last lecture. We did some practical problems also, right? So now what we are going to start in this lecture is another important topic, that is overtime, right? So we'll take around 2 to 3 lectures for overtime only, right? Because this overtime constitutes a very important part in the labor cost. Right, so we'll try to cover each and every aspect in detail regarding the overtime, how to deal with the overtime, right? तो सबसे पहले समझते हैं कि overtime का meaning क्या है. अब आप अपना case लो. आप normally एक दिन में कितने hours study करते हो? You say I study for 10 hours normally in a day. राइट, नॉर्मली आप एक दिन में 10 आवर्स की स्टडी है आपकी, स्टडी टाइम आपका 10 आवर्स है नॉर्मली. व्हेन नियर एग्जाम्स आप कितने घंटे पढ़ते हो? नियर एग्जाम्स आप 10 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हो, प्लस आप 2 to 3 आवर्स, आप कहोगे 2 आवर्स मैं एक्स्ट्रा लगाता हूँ, दैट मीन्स आप एग्जाम्स में टोटल 12 आवर्स पढ़ते हो, राइट? नॉर्मली आप 10 घंटे पढ़ते हो, जब एग्जाम्स आपके पास होते हैं तो आप वही 10 घंटे का टाइम 12 घंटे पे ले जाते हो, आप 12 घंटे स्टडी करते हो, क्लियर है? अब ये जो 2 घंटे हैं, ये तो आपका 10 घंटे क्या है, ये तो आपका नॉर्मल टाइम है, क्योंकि आप नॉर्मल रूटीन में भी आप 10 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हो. ये जो 2 घंटे आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, ये जो 2 घंटे आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो, राइट, दिस इज कॉल्ड एज ओवर टाइम. राइट, इसका मतलब क्या हुआ? ओवर टाइम का मतलब हुआ ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम. राइट, नॉर्मली आप 10 घंटे पढ़ते हो दिन में, एग्जाम्स के पास आया तो आपने क्या किया, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई शुरू की, 2 घंटे एक्स्ट्रा देने शुरू किए पढ़ाई को. दैट 2 आवर्स एक्स्ट्रा इज नोन एज overtime. What is overtime? Over and above. Any time spent over and above the normal time, that is known as overtime. Right? अब इसी तरह से अगर हम एक फैक्ट्री की बात करें, right? उसमें उन्होंने कहा जो एक वर्कर है उसको normally 9 hours एक फैक्ट्री में काम करना है. 9 hours a day उसको एक काम करना है फैक्ट्री में. अगर वो ओवर एंड अबव, अगर वो फैक्ट्री में 11 आवर्स लगा रहा है एक दिन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो 2 आवर्स का ओवर टाइम है. राइट, दिस 9 आवर्स इज द नॉर्मल टाइम. अब किसी सिचुएशन में अगर वो
11 आवर्स लगा रहा है फैक्ट्री में, ही इज स्पेंडिंग 11 आवर्स अ डे इन अ फैक्ट्री, दैट मीन्स ही इज डूइंग 2 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, राइट? सो ही इज स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, क्लियर है? तो ओवर टाइम का मीनिंग समझ में आया? ओवर टाइम क्या है? एनी टाइम स्पेंट ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम, दैट इज ओवर टाइम, दैट इज नोन एज ओवर टाइम, राइट? अब बात आई कि ये जो ओवर टाइम है, राइट, इसकी हमें क्या, जो हम उसको लेबर कॉस्ट दे रहे हैं, क्या ये उसी में इंक्लूडेड है? सर नहीं, ये जो ओवर टाइम है इसकी आपको उसे एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है। यू विल पे हिम एक्स्ट्रा फॉर द ओवर टाइम स्पेंट ऑन अ जॉब, राइट? अगर आपकी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर ओवर टाइम करता है तो आपको उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी। सर कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होगी? दिस एक्स्ट्रा पेमेंट इन नॉर्मल केसेस इज ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट। जो उसका नॉर्मल वेज रेट है, दैट मींस अगर वो 9 घंटे काम करता है, फॉर एग्जांपल, अगर वो 9 आवर्स काम करता है, आप उसको 10 रुपीज पर आर के हिसाब से पेमेंट करते हो, तो उसको कितना दिया आपने? 90 रुपीज पर डे। अब अगर वो 11 आवर्स काम करेगा तो आप उसको पेमेंट कैसे दोगे? वो कहता है पहले 9 आवर्स की तो उसको नॉर्मल मिलेगी, प्लस जो ओवर टाइम दिया दैट विल बी ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट क्या? 10 रुपीज, उसको 20 रुपीज दोगे, 90 प्लस 40, दिस कम्स टू 130 पर डे, क्लियर? तो जो ओवर टाइम स्पेंड करेंगे उसकी हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है वर्कर को, और एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी देनी है? नॉर्मली इट इज ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट। सर क्या ये कहीं लॉ में लिखा गया है? कहीं पे ये दिया हुआ है हमें कि हमें ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट देनी है? यस, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टाइम, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, राइट? तो ये ओवर टाइम से रिलेटेड ये जो चीज है ये दी गई है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। सर ये लॉ क्यों बनाया गया? ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ऐसी चीज क्यों दी गई? फ्रेंड्स ये चीज इसलिए दी गई ताकि जो हमारी लेबर है उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैसे? हम उससे काम ले रहे हैं 12 घंटे का और उसको पैसे दे रहे हैं 9 घंटे के, 3 घंटे हम उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अगर हम उसको पे नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में उसको लिखा कि अगर आप ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम किसी वर्कर से काम करा रहे हो, सो यू हैव टू पे हिम ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट, यू विल हैव टू मेक द पेमेंट फॉर दैट ओवर टाइम स्पेंड बाय द वर्कर, राइट? दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप नहीं पे करते, अगर कोई लेबर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दे अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट? सो ओवर टाइम में उन्होंने क्या बोला कि एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है। पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी देनी है? ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट, राइट? ये जो 40 रुपीज उसने अर्न किए, दिस 2 × 20, दिस 40 रुपीज, दिस इज नोन एज प्रीमियम फॉर ओवर टाइम, राइट? क्या मतलब हुआ? ओवर टाइम करने का रिवॉर्ड, राइट? अब आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि सर अगर ओवर टाइम कोई भी वर्कर करता है उसको हम ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट देते हैं, तो जो वर्कर है वो नॉर्मल टाइम में तो काम करेगा नहीं, वो कहेगा मैं तो ओवर टाइम लगा लूंगा, मुझे तो नॉर्मल वेजेस भी मिलेंगे और ओवर टाइम के ट्वाइस
डबल पैसे भी मिलेंगे, तो मैं क्यों काम करूँ? नॉर्मल टाइम में वो अपना रेस्ट करेगा और शो करेगा जी मैंने तो ओवर टाइम लगाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकता है वो ऐसा। इसीलिए लेबर के ऊपर चेक रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? दैट्स वाई अ फैक्ट्री नीड्स अ सुपरवाइजर, हु सुपरवाइज द वर्कर दैट ही इज नॉट सिटिंग आइडल इन द वर्किंग आवर्स फॉर नो रीजन, राइट? एंड देन स्पेंडिंग द ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम आपकी कॉस्ट है, राइट? तो उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि क्या वो वर्कर बिना रीजन के आइडल तो नहीं बैठा ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम। जो उसने 9 घंटे स्पेंड करने हैं, क्या वो उस 9 घंटे में फ्री तो नहीं बैठा विदाउट एनी रीजन, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन दिस थिंग, राइट? बाकी फैक्ट्रीज एक्ट में उन्होंने क्या लिखा है? फैक्ट्रीज एक्ट में दे से फैक्ट्रीज एक्ट में अ वर्कर इज एंटाइटल्ड, जो एक्ट की लैंग्वेज है, दे से अ वर्कर इज एंटाइटल्ड, यू कैन राइट दिस डाउन फ्रेंड्स, अ वर्कर इज एंटाइटल्ड एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस, डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस इफ ही वर्क्स बियॉन्ड 9 hours इन अ डे और 48 hours इन अ वीक, whichever is higher. तो फैक्ट्रीज एक्ट में क्या लिखा उन्होंने? द फैक्ट्रीज एक्ट में उन्होंने लिखा अ वर्कर इज एंटाइटल्ड एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस, दैट इज अगर नॉर्मल वेजेस हम 10 रुपए पे कर रहे हैं तो ओवर टाइम के लिए उन्हें हम 20 रुपए पे करेंगे। क्लियर है? इफ ही वर्क्स बियॉन्ड 9 hours इन अ डे, एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा अगर वो काम करता है, या फिर एक वीक में 48 hours से ज़्यादा वो काम करता है, तो ही इज एंटाइटल्ड एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस। क्लियर फ्रेंड्स? तो फैक्ट्रीज एक्ट की लैंग्वेज है द वर्कर इज एंटाइटल्ड एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस इफ ही वर्क्स बियॉन्ड 9 hours इन अ डे और 48 hours इन अ वीक, विच एवर इज हायर। क्लियर? तो ये है हमारा ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट कि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है एट ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट करनी है, राइट? अब एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे है। एग्जांपल लिखते रहना साथ के साथ। 3 वर्कर हैं ए बी एंड सी, राइट? उनका उन्होंने शेड्यूल दिया एक हफ्ते का, आर्स वर्कड, राइट? एंड डे उन्होंने कहा मंडे, ओके, 3 वर्कर्स हैं ए बी एंड सी। अब उन्होंने क्या शेड्यूल दिया कि उन्होंने ए बी सी ने मंडे को कितने कितने घंटे स्पेंड किए, 9, 9 and 12, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, आई विल टेक इट एट सैटरडे, बस दैट्स इट। ओके, सो ही वर्क्ड फॉर 9, 9, 9, 8 and 4, राइट? ही वर्क्ड फॉर 9 hours एवरी डे। He worked for 12 hours, he was absent for the 2 days. Total 48, 54 and 48. अब फैक्ट्रीज एक्ट ने दो चीज़ें बोली, वो कहते या तो एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करे या एक हफ्ते में 48 hours से ज़्यादा काम करे,
तो हम उसको ओवर टाइम देंगे। अब अगर ए का ओवर टाइम कैलकुलेट करना हो अकॉर्डिंग टू 9 आवर्स थ्योरी, पहले हम लेते हैं कि अगर हम इस हिसाब से चलें कि अगर कोई इंसान, अगर कोई भी वर्कर 9 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसको हमें ओवर टाइम देना है, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा डेज ए बी एंड सी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। अब ए ने, सबसे पहले ए को देखते हैं, ए ने किसी भी दिन 9 घंटे से ज़्यादा काम किया? सर नहीं किया। कितने टोटल कितना हुआ इसका? 9, 9, 9, 9, 8 एंड 4। सपोज हम इसको 10 रुपीज़ के हिसाब से पे करते हैं तो क्या कहीं भी इसको हम एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे? सर नहीं देंगे, क्योंकि उसने किसी भी दिन उसने 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं किया, तो ये टोटल हुआ 480। हम उसको वीक का 480 पे कर देंगे, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, पहला केस कि अगर किसी भी दिन 9 आवर से ज़्यादा काम किया तो उसको अकॉर्डिंगली पे करेंगे। बी की बात करते हैं, बी ने हर रोज़ 9 घंटे काम किया, क्या किसी दिन 9 घंटे से ज़्यादा काम किया? सर नहीं किया। तो अगर हम इसको भी 10 रुपीज़ के हिसाब से पे करें, 10, 10, इसको भी हम 10 रुपीज़ के हिसाब से पे करें तो इसकी सैलरी, इसकी वेजेस बनेंगी 540 फॉर द वीक। अब अगर सी की बात करें, सी ने क्या किया, पहले 4 दिन 12-12 घंटे काम किया, 12, 12, 12, 12, फिर 2 दिन छुट्टी मार ली उसने। अब यहाँ पर उसने 9 घंटे से ज़्यादा काम किया तो वो बोलता है पहले 9 घंटे के लिए नॉर्मल वेजेस दो, उसके बाद कितने घंटे बचे? 3 घंटे। 3 घंटे के लिए वो कहता डबल द वेज रेट, क्लियर। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सेम होगा, 9 × 10 + 3 × 20। ये नहीं कि 9 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं, 9 घंटे तो उसने काम करना ही करना था, वो तो उसका रूटीन जॉब था, तो उसके लिए तो हम देंगे नॉर्मल वेजेस। जितना टाइम उसने ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम लगाया, सिर्फ उतने टाइम के लिए हम उसको ओवर टाइम, दैट इज डबल द वेजेस देंगे। क्लियर। यहां पर क्या होगा, 9 × 10 + 3 × 20। यहां पर क्या होगा, सेम 9 × 10 + 3 × 20, राइट। यहां टोटल 48 आया, इसका टोटल आया 600। क्लियर। तो उन्होंने क्या बोला, हमने पहला केस लिया अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में 2 कंडीशंस बोली गई हैं, क्या 2 कंडीशंस हैं उसको हाइलाइट कर लेते हैं। एक तो उन्होंने बोला 9 आवर्स इन अ डे, ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या आई, 48 आवर्स इन अ वीक। क्लियर। तो हमने पहली कंडीशन ली, हमने कहा कि हम तो जी ऐसे पे करेंगे कि अगर किसी भी दिन ए बी सी में से किसी ने 9 घंटे से ज़्यादा काम किया तो उसको हम डबल वेजेस देंगे। तो ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, सी ने किया, तो हमने सी को ओवर टाइम दिया। अब आया दूसरा केस। अब वो कहता है कि दूसरी फैक्ट्री में रूल क्या है, 48 आवर्स का रूल है, 48 आवर्स पर वीक, कि अगर ए बी सी में से किसी ने भी 48 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम किया तो जितने घंटे उसने ऊपर लगाए उसका उसको ओवर टाइम मिलेगा। अब बात करें ए की, बी की और सी की। सी ने टोटल कितने घंटे काम किया, 48 आवर्स, बी ने 54, सी ने 48। सबसे पहले तो वो कहता कि 48 आवर्स जो उसका नॉर्मल टाइम था उसके लिए तो उनको वेजेस दो, राइट, दिस इज नॉर्मल वेजेस, 48 × 10, 48 × 10, राइट, 480, 480 एंड 480। अब आ गया ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस, ए ने कोई ओवर टाइम किया? सर नहीं किया। बी ने किया? यस सर, उसने टोटल, उसने एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं किया,
लेकिन उसने पूरे वीक में 54 आवर्स का काम किया, दैट मीन्स 48 आवर्स से 6 घंटे ऊपर काम किया, तो ओवर टाइम कितना होगा 6 आवर्स। वो कहता है डबल द वेज रेट, वेज रेट क्या 10, उसका डबल 20, तो इसको हम 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे। क्या सी ने कोई ओवर टाइम किया? सर नहीं किया, तो इसकी टोटल वेजेस कितनी हुई 480, इसकी कितनी हुई 600 और सी की कितनी हुई 480। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फैक्ट्रीज एक्ट में हमें कहा गया कि ओवर टाइम की हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, साथ में हमें यह भी बताया गया कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट कैलकुलेट कैसे की जाएगी, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ 9 आवर्स अ डे कॉन्सेप्ट और ऑन द बेसिस ऑफ 48 आवर्स पर वीक। क्लियर है? मैंने दोनों की कैलकुलेशन सिखा दी आपको कि ओवर टाइम क्या है, जितने घंटे तो नॉर्मल थे उसको तो नॉर्मल वेज रेट देना है, जितना ओवर टाइम स्पेंड किया, ओवर टाइम क्या है ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम फैक्ट्रीज एक्ट में क्या किया है 9 घंटे रखा है, 9 घंटे से ऊपर जितना भी टाइम स्पेंड करोगे एक दिन में उसका आपको क्या मिलेगा नॉर्मल वेज रेट से डबल मिलेगा। अगर 10 रुपये कमा रहे थे आपको 20 रुपये मिलेंगे फॉर द ओवर टाइम आवर्स ओनली, नॉट फॉर द होल ऑफ द आवर्स। ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ जितना टाइम ओवर टाइम करोगे सिर्फ उसके लिए डबल मिलेंगे, पूरे दिन के डबल नहीं मिलेंगे। क्लियर? सो दिस इज फ्रेंड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टाइम, राइट? सो विल डू दिस मच ओनली इन दिस लेक्चर। सो गाइज इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल at ksjteaching@gmail.com, right? In the next lecture, we'll continue with overtime only, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी कुछ है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्लस इसमें ओवरटाइम में अभी कॉन्सेप्ट्स हैं कि ओवरटाइम को हमें कैसे कैसे कॉस्टिंग में चार्ज करना है, कि कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को करना है या किसी पर्टिकुलर जॉब को करना है या जनरल लेबर कॉस्ट को करना है। सो विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।